लास्ट ईयर ICAR के कट ऑफ कितने गए, BSc एग्रीकल्चर हो गया या BSc हॉर्टिकल्चर हो गया, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं ऑफिशियली, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और ICAR का ऑफिशियल साइट ICAREexam.net ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली आए, इसके बाद आपको ये ऑप्शंस मिल रहा है एप्लीकेंट लॉगिन, यूनिवर्सिटी लॉगिन। ये एप्लीकेंट लॉगिन काउंसलिंग के टाइम काम आएगा। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आना है और लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पे ये आ रहा है क्लिक हेयर टू चेक प्रीवियस ईयर रैंक, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है प्रीवियस ईयर रैंक पे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आपको दिखा एंटर करना है आपके कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आप कोर्स डाल दें कौन से कोर्स में लेना चाहते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ICAR के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप BSc एग्रीकल्चर के लिए ही दे रहे हो। तो आपको यहाँ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पे करना है। फिर आप किस ईयर के कट ऑफ देखना चाहते हो इस पर क्लिक करना है, 2021 का देखते हैं। अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आप कैटेगरी डाल दें। कैटेगरी हम सपोज करते हैं कि आपका कैटेगरी OBC है, OBC डालें। और आपका एक्सपेक्टेड रैंक कितना है आप डाल सकते हैं। अगर आपका 20,000 आ रहा है तो 20,000 डाल दें। और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ये डाल दें। ये कैप्चर डालने के बाद आई एग्री एंड विथ टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको नीचे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दिख गया होगा कि 20,000 में किसी को भी नहीं मिला है। तो आप थोड़ा रैंक कम दे डाल के देखते हैं, हम डाल देते हैं 7,000। उसके बाद हम यहाँ सबमिट करते हैं, तब हम हमारे पास आ गया है कि 7,000 में हम लोग OBC को सेकेंड राउंड में 7,068 रैंक पे मिला है, जिसका डोमिसाइल स्टेट राजस्थान था। सब कैटेगरी सब में कोई नहीं, सब कैटेगरी कोई मैटर नहीं करता OBC में, कोई भी कैटेगरी में सब कैटेगरी में यहाँ मैटर नहीं करता। SC ST सब कैटेगरी कुछ नहीं है। यहाँ राउंड 2, 3 और 3 का 8,000 केरला का डोमिसाइल का गया और तमिलनाडु का 7,000 गया। सब कैटेगरी यहाँ OBC में ध्यान नहीं देना ये सब। अब हम चेक करते हैं, अगर आपका जो भी एक्सपेक्टेड रैंक है, जो भी कैटेगरी है, उसे डाल के आप चेक कर सकते हैं। नहीं भी आपका वो रैंक आया लेकिन चेक करना चाह रहे हो तो वो रैंक आप डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका कोई पर्सनल डिटेल नहीं डालना, बस एक्सपेक्टेड रैंक डालना है। अगर हम मान के चलते हैं कि 20,000 किसी SC का रैंक आया है तो कितना कौन से कॉलेज मिला होगा वो हम डाल के चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि SC में 20,000 में बहुत सारे कॉलेज अलॉट हुए थे और कौन कौन से डोमिसाइल और कौन कौन से काउंसलिंग राउंड है ये सब यहाँ आपको शो कर रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।